बेस्ट शूटर, कोई प्रोटेक्शन वोटेक्शन लेके नहीं चलता, गार्ड वार्ड लेके नहीं चलता, वन मैन शो चलता है। तो या मैं लॉरेंस को ठोकता हूँ तो जेल तो हर हार में मुझे भी जाना है, और तेरे को समझा के बोलता हूँ, लेडी बेड पे है दम ना, ओपन लॉरेंस को ले ले, ओपन लॉरेंस को डिबेट पे सामने। जी तो नाज़रीन, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पहला मर्द का बच्चा सामने आया है, नईम खान इसका नाम है। ये वो बंदा है जिसने पहले बार धमकी दी, उसने कहा जी कि मैं लड़ने को तैयार हूं। लॉरेंस नामी जो ये शूटर है, उसने कहा जी शूटर तुम आओ मेरे सामने, मैं तुझे ठोकूंगा। उसने कहा जी कि तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं बदमाशी नहीं चलने दूंगा। ये पहला मर्द का बच्चा जो है वो सामने आया। कुछ लोग धमकी दी, उसने कहा जी कि मैं लड़ने को तैयार हूं। लॉरेंस नामी जो ये शूटर है, उसने कहा जी शूटर तुम आओ मेरे सामने, मैं तुझे ठोकूंगा। उसने कहा जी कि तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं बदमाशी नहीं चलने दूंगा। ये पहला मर्द का बच्चा जो है वो सामने आया। कुछ लोग इसे हीरो बना रहे थे। कोई भी क्रिमिनल है, किसी जगह का रहने वाला है, कहीं का रहने वाला है, तो क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। मेरा नाम जिशान रजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और मेरी कोशिश होती है कि दुनिया भर में उर्दू बोलने वाले जो नाज़रीन है उनको हर अहम खबर से जो है वो खबर रखा जाए। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के मामले को लेकर बड़ी बहस चल रही है, बड़ी हर वक्त, मतलब इंडियन मीडिया पर तो सिर्फ एक ही न्यूज, मैं जब भी देखता हूं यूट्यूब में खोलता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आती है इंडियन मीडिया पे, सिर्फ सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई या सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो है वो उसे हीरो बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही होती है। तो एक मर्द का बच्चा जो है वो सामने आया जो क्रिमिनल्स के खिलाफ है, क्राइम के खिलाफ है, वो है नईम खान। नईम खान क्या कहते हैं, नईम खान की जबानी ही आपको सुनवाते हैं। बेस्ट शूटर, कोई प्रोटेक्शन वोटेक्शन लेके नहीं चलता, गार्ड वार्ड लेके नहीं चलता, वन मैन शो चलता है। तो या मैं लॉरेंस को ठोकता हूँ तो जेल तो हर हार में मुझे भी जाना है, और तेरे को समझा के बोलता हूँ, लेडी बेड पे है दम ना, ओपन लॉरेंस को ले ले, ओपन लॉरेंस को डिबेट पे सामने। बात करेगा नदीम, अंगा टस गया तो समझ लेना कि मेरे नाम का कुत्ता पालना। यह हमारी मुंबई शहर है, मुंबई नगरी के अंदर बाहर के लोगों को आकर के हमारे यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। जिंदगी में हमने शैतानों का शिकार किया, फिर भी ये तो बेचारा एक 26 से 28 साल का लड़का है, कोई बात नहीं। कहानी ये नहीं है कि खाली वेपन दे के गोली चलाया कौन, कहानी ये है कि वेपन देने वाला कौन, गोली चलवाने वाला कौन है। जिते रिक्शा है तिते नदीम ची एंट्री फिक्स है। जिंदगी में हमने शैतानों का शिकार किया, फिर भी ये तो बेचारा एक 26 से 28 साल का लड़का है, कोई बात नहीं। लेकिन ये लोगों को सोचना चाहिए, मुंबई शहर के अंदर अगर बाबा सिद्दीकी की मौत पे नदीम खान अगर बोला तो क्या गलत बोला। आज बाबा सिद्दीकी है, कल तुम्हारे घर का कोई आदमी हो सकता है, कोई और हो सकता है, कल तुम हो सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम खामोश हो जाएं। मतलब क्या है, बोलना ज़रूरी है, लोगों को समझना चाहिए। यह हमारी मुंबई शहर है, मुंबई नगरी के अंदर तुम बाहर के लोगों को आ कर के हमारे यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। और ऐसे बहुत से लोगों का कहना है, ट्रोल कर रहे हैं, ये नदीम टस गया, ए फ्यू मेमेंट्स, क्या मेमेंट्स लेटर है ना, ऐसा एक कॉल आया बिश्नोई समाज से, करीबी है उसका, उसने कहा कि भाई इसमें लॉरेंस का हाथ नहीं है, बात पूर्णिमा की है, बात 4000 लोगों की है, झूठ तो बोलेगा नहीं वो, ठीक है, झूठ बोलेगा नहीं। तो मैंने उस बात पे बोला कि अभी तक लॉरेंस ने वीडियो का क्लियरेंस नहीं दिया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, क्योंकि जो बंदा सुद्दू मूसा आले का हत्या अपने अंग पे ले सकता है तो बाबा सिद्दीकी के क्यों नहीं ले रहा है। तो मैं सच्चाई लाने के सामने पड़ा हूं ना। लॉरेंस अगर बोलता है कि हाँ ये वीडियो
मैं बना रहा हूं कि बाबा सिद्दीकी का हमने लिया है हत्या, तो फिर हम भी फिर बोलेंगे, जवाब भी देंगे। और बात रही सवाल, जो लोग कह रहे ना ग्राउंड लेवल की बातें, ग्राउंड लेवल की बातें तो ग्राउंड पे आके देख ले वे, ऐसे यूट्यूबर बोल के ना कुछ बोलता है, अपने टीआरपी के लिए कुछ भी, तुम कुछ भी कर सकते हो क्या? कुछ भी, किसको भी कि ये ठसा, अरे भाई ठस गया, अबे भेजना तेरे न्यूज वाले, तेरे पे बाइट देता हो और तेरे को समझा के बोलता हो। लेडी बेड पे है दम ना, ओपन लॉरेंस को ले ओपन लॉरेंस को डिबेट पे सामने, बात करेगा है नदीन, अंगा ठस गया तो समझ लेना ये मेरे नाम का कुत्ता पालना, समझा? अरे हम मरद है रे, समझा? अगर अल्लाह ने हमको मरद बना के पैदा किया है ना, तो किसी से डरने के लिए नहीं, हमें घर की जिम्मेदारी देता है, दोस्तों की जिम्मेदारी देता है, हमें लड़ने की ताकत देता है, हमें हर एक चीज देता है। तो अल्लाह ताला ने जब हमको इतनी क्वालिटी दी है, तो तुम जैसे से क्यों ढसूरे? कोई ठसी वसी नहीं है, ये डालो न्यूज, टीवी मसाला में डाल रहा हूँ, लिखा लो और डालो। अंडरवर्ल्ड के सायों में रह चुका है, डरता होगा बॉलीवुड जो हमेशा है ना अंडरवर्ल्ड के सायों में रह चुका है। बाबा खान को डराने की कोशिश ना करो, जो अंडरवर्ल्ड को ही लेके चल चुका है, याद रखना, ओपन बोल दिया। अब इस बात को समझ लेना, 20 साल पुराना ना पास निकाल के चेक कर लेना, भाई लाइव बोलता हूं, हमने भी बहुत कुछ देखा है बॉस, बाबा खान ने डरता, समझे? देखिए क्या है ना, कानून की मर्यादा होती है, कानून की मर्यादा को नहीं नांग सकते हम, बराबर। और वो गैंगस्टर बन रहा है अपने आप को, तो गैंगस्टर तो बहुत है, बराबर। हमको पता है ना कि हम अगर एक अपराधी को भी मारते, हम एक अपराधी को भी अगर मारते, अगर लॉरेंस मुझे डालता है या मैं लॉरेंस को ठोकता हूँ, तो जेल तो हर हार में मुझे भी जाना है। वो तो नईम खान की आपने बातें सुनी और आपने देखा कि नईम खान किस तरह से ललकार के पुकारा, लॉरेंस किधर हो तुम? वो कहते हैं जी कि मैं पहला बंदा हूं जो लॉरेंस को जो है, और ये हकीकत बात है कि कोई बंदा, मतलब सलमान खान की स्पोर्ट में कोई बंदा इस तरह सामने नहीं आया लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, सिर्फ एक बंदा जो है वो सामने आया, उसने कहा जी कि मैं हक की बात कह रहा हूं, मैं किसी बदमाश को जो है वो यहां पर नहीं चलने दूंगा। और जो सोशल मीडिया पे, जहां पे एक वक्त में इंडियन मीडिया या चंद एक इंडियन जो एंकर्स हैं वो लॉरेंस बिश्नोई को बहुत बड़ा मसीहा और बहुत बड़ा जो है वो उसे बना के पेश करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत बड़ा गैंगस्टर बना के पेश कर रहे थे, तो नईम खान नामी शख्स ने उसकी वो जो बदमाशी थी और उसकी जो मीडिया के ऊपर जो पजीराई थी उसको खत्म कर दिया है, उसने सारी सब कुछ धो डाला उसे। अच्छा, अब नईम खान क्या क्या वक्फ है और असल मामला क्या है? मामला कुछ यूं है कि सलमान खान जो है उनके ऊपर इल्जाम है कि जब वो हम साथ साथ है फिल्म बना रहे थे आज से कई साल पहले, तो उन्होंने दो हिरन जो थे उनका शिकार किया था, काले हिरन जो है उनका शिकार किया था, जबकि सलमान खान का कहना है कि इल्जाम है मैंने कोई शिकार नहीं किया। उनके वालिद साहब जो है उनका बयान भी सामने आ चुका है, सलमान खान के वालिद कहते हैं जी ये सिर्फ इल्जाम है, ऐसा कोई सच्चाई नहीं, और हम किससे माफी मांगे जब ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ, तो हम कैसे माफी मांगे। लॉरेंस बिश्नोई की जानिब से सलमान खान जो है उनको थ्रेट किया जा रहा है, और बाकी के जो लोग हैं जिसमें बाबा सदीकी है या मुनव्वर फारूकी है, बाबा सदीकी को टारगेट किया गया, मुनव्वर सदीकी जो है उनको भी थ्रेट किया गया, तो ऐसे में कोई बंदा सामने नहीं आया, नईम खान सामने आया। नईम खान ने जहां पर सोशल मीडिया पे जो लॉरेंस को पसीराई मिली थी उसको सच सामने लेकर आया, और नईम खान ने वो पूरी जो शोहरत थी उसको जो है वो एक खुदने लगा दिया, और सिर्फ नईम खान का कहना है कि जी वो क्रिमिनल है, शूटर है, और ये बात हकीकत है कि जो क्रिमिनल है उसको भाई इतना क्यों प्रमोट कर रहे हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सूरत हाल है वो ये है कि इंडियन मीडिया के पास कोई खबर नहीं है, वहां की कोई भी न्यूज वहां पे मेरे ख्याल से इस वक्त नहीं है, सिवाय एक ही खबर है और लॉरेंस बिश्नोई के अलावा कोई खबर नहीं। तो नाज़िम आप क्या समझते हैं, आप इस हवाले से जो है वो अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।